हाय गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स। ऐसा लगता है कि जो सेल्स पर्सन है वो तो इंसान है ही नहीं। आप पूछोगे कि ये क्या कह रही है, मैं सही कह रही हूँ। इंसानियत बिल्कुल ही खत्म होते जा रही है। हमारे एमए इंग्लिश के सिलेबस में एक नोवेल था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ऑर्थर मिलर का, और उसमें एक सेल्स पर्सन की निराशाएं, डिसिल्यूशनमेंट्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इमोशंस एक्सप्रेस की, उनका मीनिंग अब समझ में आता है। खास तौर पर आजकल की स्वार्थी और मटेरियलिस्टिक कल्चर में आप मॉल में चले जाइए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स में आपको जो है सीटी नहीं, सेल्स पर्सन के लिए सीटी नहीं है। छः छः सात सात घंटे जो है वो खड़े रहते हैं, वेरिकोवेंस, थकान और फ्रस्ट्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। मैं एक बार एक क्लोथिंग स्टोर में गई तो मैंने कहा आपके लिए सीट नहीं है। वो लेडी जो सेल्स वुमन थी वो बहुत अच्छी, वो कहती नहीं सेल चल रही है ना मैडम, तो बाकी स्टोर्स में भी जहाँ सेल नहीं चल रही थी वहाँ पे भी सीट नहीं थी। ये कॉमन फिनोमिनन जो है हो गया, पता नहीं क्यों हम लोग अपनी इंसानियत जो है वो खोते जा रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है स्टोर ओनर से कि जब आप कैमरा के थ्रू सब एक्टिविटीज उनकी वॉच कर रहे हो तो इन ह्यूमन क्यों बन रहे हो, वो भी इंसान है, उनकी दुआएं दीजिए। अगर आप एक सिंपैथेटिक ह्यूमेन जो है एटीट्यूड रखेंगे तो मेरे को लगता है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सकते हैं। और आजकल की ऑनलाइन कल्चर में तो वैसे ही बहुत कंपटीशन है और कस्टमर जो है वो हो सकता है 60 चीज़ें देखे खरीदे एक भी ना, भाई उसकी भी हार्ड अर्न मनी है, उसको नहीं देना होगा तो नहीं लेगा, दैट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। तो मैं इसी बात को, मतलब मुझे बहुत निराशा सी हुई और मैं इसी बात को, एक जेंटलमैन है पारुल गांधी जी, पलवल में उनका जो है वो बालाजी ऑप्टिकल होलसेल का काम है, मैं ऐसे ही बात कर रही थी एंड ही वॉज विद हिज वाइफ एंड लिटिल प्रिंसेस लियाना आई थिंक। तो उन्होंने कहा मैम हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ा सा विश्वास, तो उन्होंने फिर कैमरा दिखाया। तो इसका मतलब स्मॉल टाउन में अभी भी इंसानियत है, लेकिन जैसे जैसे हम पैसे की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हमें पैसे की ज़्यादा वो हो रही है तो हम इंसानियत खोते जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा ही आप लोगों से, जो स्टोर ओनर हैं उनसे प्रार्थना है कि इंसान को इंसान समझिए, सेल्स पर्सन भी इंसान है, उनके साथ एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखिए और रोबो मत समझिए, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और शायद भगवान की कृपा आप पे बढ़े कि आप एक इंसान को एक जो है एम्पैथी रख रहे हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, पर दुख बहुत होता है कि हम जो है इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ गए हैं कि ह्यूमैनिटी ख़त्म ही हो गई है। थैंक यू वेरी मच। आपके क्या विचार हैं प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।